दोस्तों आज का ये एक्सेल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये है सैलरी शीट के रिगार्डिंग कि एक्सेल के अंदर हम सैलरी रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करते हैं। चलिए वो सीखने वाले हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है कंपनी का, जिसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, सैलरी ऑफ ओवर टाइम, DA HRA, ग्रॉस सैलरी, ESI, PF और नेट सैलरी, इतने सारे फील्ड्स दिए गए। इस डेटाबेस को किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं, चलिए आज सीखते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी की बात करते हैं। तो बेसिक सैलरी या तो आप मैनुअली फीड कर लीजिए, या अगर मैं, क्योंकि हमें रफली प्रिपेयर करना है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जो है हमारा रैंक बिटवीन का। इसके बाद टैप करेंगे, टैप करने के बाद एक बॉटम वैल्यू, यानी कि बॉटम की वैल्यू, मान लीजिए आपने 20,000 दिया है और कॉमा लगा के आपने 35,000 कर दिया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ चुकी है। वैल्यू आने के बाद अब आपको करना क्या है, ये वैल्यू क्योंकि बार बार स्विच होंगी तो इन वैल्यू को चेंज करने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, कॉपी करेंगे इस डेटा को, फिर कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे पेस्ट स्पेशल के लिए, और यहाँ पर एज अ वैल्यू इसको पेस्ट कर देंगे। अब बात आती है ओवर टाइम की। ओवर टाइम भी इसी तरीके से आप मैनुअली अगर आप चाहें तो फीड कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी हम रैंक बिटवीन फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, रैंक बिटवीन फंक्शन यूज़ करना है, और यहाँ पर भी हम जो बॉटम वैल्यू देंगे वो मैंने दिया है 10 और मैक्सिमम वैल्यू 15 देके हमने इसको कंट्रोल एंटर करा। वैल्यू आने के बाद कॉपी और कंट्रोल ऑल्ट भी करके वैल्यू को पेस्ट स्पेशल पर जाके ऐसा वैल्यू उसको पेस्ट कर लेंगे, जिससे वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। अब जो हमारा ओवर टाइम है, सैलरी ऑफ ओवर टाइम, वो है 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से। तो जितना आवर्स है उसमें हम, ये हमने ओवर टाइम सेलेक्ट करा है आवर को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 200 से, क्योंकि 200 रुपये पर हेड है। इसके बाद एंटर करा आपने, और इसके बाद जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ये अलग अलग वैल्यूज हमारी सैलरी ऑफ ओवर टाइम आ चुका है। अब DA जो हमारे डेली अलाउंस है, जो डेली अलाउंस कहलाता है हमारा, जो 5% दिया गया, ये बेसिक सैलरी का 5% है। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, इक्वल्स टू बेसिक सैलरी इंटू आपका 5, और इसके साथ परसेंटेज का सिंबल ज़रूर लगा दें क्योंकि परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा 5% निकल के आ गया। इसके बाद हमने इसको भी ट्रैक करा दिया। ऐसे ही HRA हमें कैलकुलेट करना है 3%, तो इसको भी हम बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करेंगे, बेसिक सैलरी इंटू 3% एंटर करेंगे और इसको भी नीचे तक ड्रैग करा देंगे। अब बात आती है हमारी ग्रॉस सैलरी की। ग्रॉस सैलरी के लिए करना क्या है हमें, जो हमारा बेसिक सैलरी, सैलरी ऑफ ओवर टाइम, DA और HRA, इन सबको हमें ऐड करना है। तो ये हमारा ग्रॉस सैलरी बनता है। इसको ऐड करने के लिए हमने इक्वल्स टू करा है, सम ओपन करा है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में ये वाला सेल और कंट्रोल का बटन होल्ड करके ये तीनों सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, और इसको नीचे तक ड्रैग करा देंगे इसी तरीके से। अब हमारा ESI जो है वो ग्रॉस सैलरी पर बनेगा। ये ESI और PF दोनों हमारे एक तरह के फंड हैं जो हमारी सैलरी से डिडक्ट होते हैं। तो 2.5% जो है वो हमारा 2.5% ESI कटता है और 8.2% PF कटता है, जो हमारा ग्रॉस सैलरी से कटेगा। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या है, इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2.5%। ये हमारा ESI निकल आया है, इसको भी ड्रैग करा देंगे नीचे तक। इसी तरीके से PF निकालने के लिए ये भी आप क्रॉस सैलरी से निकालेंगे, क्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 8.2% एंटर करेंगे और इसको भी नीचे तक ड्रैग करा देंगे। अब जो बचा हुआ नेट सैलरी है, फाइनल जो आपका सैलरी इन हैंड मिलने वाला है, वो होगा इस टोटल सैलरी में से इन दोनों को माइनस करना है। तो आप यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस ESI, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस आपका PF। तो जहाँ ब्रैकेट क्लोज कराए उससे पहले ब्रैकेट को ओपन करा देंगे और इसके बाद एंटर कर देंगे। तो ये हमारा बचा हुआ सैलरी आ गया, दोनों सैलरी डिडक्ट होने के बाद इसको भी नीचे तक ब्रैक करा देंगे। इन टोटल हमारे पास सारी सैलरी आ गई है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे सब में रुपीज़ का सिंबल लगा हुआ है। तो रुपीज़ को सिंबल को लगाने के लिए करना क्या है, आपको किसी भी साल को सेलेक्ट करके जिस पे आपको रुपीज़ का सिंबल लगाना था, जिस डेटा पे लगाना था उसको सेलेक्ट करके आपने क्या करा, कंट्रोल वन कराए। कंट्रोल वन पर जाकर आप करेंसी सेलेक्ट करेंगे। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंबल आता है और सिंबल में जाके आप कोई भी सिंबल आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल चूज़ कर रखा है, इसलिए कोंकणी है, मराठी है, अलग अलग है, तो हमने हिंदी वाला चूज़ कर रखा है। इसको सेलेक्ट करके ओके, अब नीचे आपको टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना है, आपको ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू, तो ये आपका टोटल फाइंड करेगा, और इसी तरीके से इस फॉर्मूले को राइट साइड पर ड्रैग कर देंगे तो सारी चीज़ों का टोटल आपको मिल जाएगा। यहाँ एक्चुअली
यहाँ की फॉर्मेटिंग भी बदली हुई है, तो इसको करेंसी की जगह आप क्या करेंगे, जर्नल कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट जो है जर्नल में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन साथ में ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।